उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन के समय शिक्षकों द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों द्वारा कापियों के मूल्यांकन का बहिष्कार किया गया। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए शिक्षक राम मोहन शाही ने कहा, पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो बहाल करो, मूल्यांकन बंद करो, बंद करो बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो बहाल करो। राम मोहन शाही, प्रदेशी मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश। केंद्र नेतृत्व की वार्ता राज्य सरकार के शिक्षा मुख्य सचिव के साथ हुई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री भी शामिल थे। इन मांगों को उनके सामने सब रखा गया था। उन्होंने कहा, इन मांगों को धीरे धीरे मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन आज तक कोई भी एक मांग मानी नहीं गई। इस परिस्थिति से उपजी जो समस्या है, जिसके नाते हम लोगों ने मूल्यांकन का बहिष्कार किया, जिसमें तीन प्रमुख मांगों को हमने रखा है, 100 वित्त पोषित विद्यालयों को जो है कि शिक्षकों को एक सम्मानजनक मानदेय देने की बात है, हमारे जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उनको विनीतीकरण करने की बात है, और साथ ही साथ पुरानी पेंशन नीति जो अप्रैल 2005 के पश्चात जो शिक्षक नियुक्त किए हुए हैं उनको नहीं मिल रहा है, और उसी के साथ राज्य कर्मचारियों के समान हम लोग को चिकित्सा सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इस प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के समान उनके एक अंग हैं। इन मांगों को लेकर हम लोगों ने मूल्यांकन का बहिष्कार किया है, और जब तक हमारी कुछ मांगे नहीं मानी जाएगी बहिष्कार से पीछे हम नहीं हटेंगे।